बिजनौर के थाना हल्दौर पुलिस ने कब्र को खुर्द बुर्द करके कब्र से मृत शरीर का सिर ले जाने वाले दो युवकों को घटना में प्रयुक्त फावड़ा व लोहे की आरी सहित किया गिरफ्तार। बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र गांव खारी निवासी मोहम्मद फैजान पुत्र स्वर्गवासी कारी सैफुर रहमान ने थाना हल्दौर पर तहरीर देते हुए बताया था कि उसके पिता का देहांत दिनांक 25 जुलाई 2024 को हो गया था, लेकिन जब दिनांक 23 सितंबर 2024 की सुबह उसको जानकारी मिली कि अज्ञात युवकों द्वारा सरफुर रहमान की कब्र को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है, तब उसने कब्र पर पहुंचकर देखा तो मृतक के शरीर से सिर गायब मिला। वहीं प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पुलिस केस दर्ज कर मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई और अब मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपी युवकों को घटना में प्रयुक्त लोहे की आरी और फावड़े सहित गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना हल्दौर पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कसीमुद्दीन पुत्र हसीमुद्दीन निवासी ग्राम खारी थाना हल्दौर और रामवीर पुत्र प्रीतम सिंह निवासी फिरोजपुर उग्रसेन उर्फ मोजीपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपी युवकों ने बताया कि वो दोनों साथ मिलकर तंत्र मंत्र की क्रिया करते हैं और सट्टे का नंबर भी लगाते हैं। बीते कुछ समय से वो दोनों अपनी क्रिया में सफल नहीं हो पा रहे थे। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने सोचा कि कारी सरफुर रहमान, जो कि काफी अच्छी छवि के व्यक्ति थे, अगर उनकी गर्दन से तंत्र मंत्र कर सट्टे की क्रिया की जाए तो हमारी सट्टे की क्रिया सिद्ध हो सकती है, इसलिए हम दोनों ने दिनांक 22/23 की रात में गांव खारी के कब्रिस्तान से मृतक कारी सरफुर रहमान की कब्र को खोदकर तंत्र मंत्र कर सट्टे की क्रिया करने के लिए उनकी गर्दन कब्र से निकाल ली थी। आरोपी कसमुद्दीन ने यह भी बताया कि कारी सरफुर रहमान की गर्दन मेरे पास थी, लेकिन जब इस घटना से समाज में काफी आक्रोश हो गया था, जिसके चलते मैं घबरा गया था और पुलिस से बचने के लिए 27 सितंबर 2024 को दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से बॉम्बे चला गया था। उसके बाद मैंने बॉम्बे पहुंचकर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से कारी सरफुर रहमान की गर्दन को समुद्र में फेंक दिया था। आपने देखा कि आरोपी कसमुद्दीन ने कहा कि उसने सबूत मिटाने के लिए कारी की गर्दन बॉम्बे ले जाकर समुद्र में फेंक दी है, लेकिन इसमें बड़ी बात तो यह है कि वह जनपद बिजनौर के गांव खारी से दिल्ली और दिल्ली से ट्रेन से कारी की गर्दन बॉम्बे लेकर कैसे पहुंच गया, जबकि ट्रेन में बिना चेकिंग के कोई सामान कहीं लेकर नहीं जाया जा सकता है। आप भी कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। DPP न्यूज़ से सुभाष चौधरी की रिपोर्ट। यदि आपने अभी तक DPP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले DPP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी खबर को DPP न्यूज़ चैनल पर चलवाने के लिए या अन्य कोई जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर 7409720947 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।